हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर टॉम एंड जेरी कार्टून को सर्च करते हो तो आपके सामने टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो से रिलेटेड इनके काफ़ी सारे एपिसोड आ जाएंगे। और दोस्तों, आप इनके हर एपिसोड के व्यूज को देख सकते हो कि इन पर मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एपिसोड पर 407 मिलियन व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस एपिसोड पर 900,000 व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस एपिसोड पर 241 मिलियन व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस एपिसोड पर 204 मिलियन व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हो कि 269 मिलियन। दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पर टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो के जितने भी एपिसोड मिलेंगे सब पर आपको यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके की कार्टून वीडियो पर यूट्यूब पर कितना ज्यादा व्यूज मिलता है और इसको यूट्यूब पर कितना ज्यादा देखा और पसंद किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल की अर्निंग को देख लेते हो तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे, शौक हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इस चैनल की यहाँ पर अर्निंग को दिखा देता हूँ कि आखिर ये सब चैनल यहाँ पर इस तरीके की कार्टून वीडियो को बनाकर अपलोड करके महीने के कितने रुपए यहाँ पर कमाते हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी अर्निंग को दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आपके सामने WB Kids करके एक चैनल शो हो रहा है और दोस्तों आप इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को देख सकते हो कि यहाँ पर 24.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि दोस्तों इस चैनल पर 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर यहाँ पर जो वीडियोज अपलोड है यहाँ पर देख सकते हो कि 1992 वीडियो अपलोड है। और दोस्तों, आप इस चैनल की अगर आप यहाँ पर अर्निंग को देख लेते हो तो आप यहाँ पर शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि ये चैनल टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो को अपलोड करके चैनल यहाँ पर हर मंथ कितना रुपए अर्निंग करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हो कि इस चैनल की यहाँ पर जो भी एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स है यहाँ पर देख सकते हो कि 36.8K डॉलर से लेकर 588.6K डॉलर तक है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि 36,000 डॉलर से भी ज्यादा इनकी मंथली अर्निंग है। और दोस्तों, 36,000 डॉलर ही नहीं बल्कि यहाँ पर देख सकते हो 36,000 डॉलर से लेकर 588,000 डॉलर पर मंथ इनकी यहाँ पर अर्निंग्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी तो यहाँ पर US डॉलर में यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप इसको INR में यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखेंगे तो फिर आपको इसका वैल्यू लाखों रुपए में यहाँ पर नजर आएगा। दोस्तों, आपका यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर अर्निंग दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन रुपीज में लाखों रुपए यहाँ पर इसका वैल्यू होंगे अगर आप इसको जाकर INR में कन्वर्ट करके देखेंगे तो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके के चैनल इस तरीके के कार्टून वीडियो को अपलोड करके इतना ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, आप इसको यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? आप भी यहाँ पर इस तरीके कार्टून वीडियो को बनाकर हर मंथ इतना ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। इतना नहीं तो फ्रेंड्स, आप इसके आदि भी कर सकते हो। लेकिन कैसे, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे यहाँ पर टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करके, जी हाँ गाइज, आपको यहाँ पर इन सब चैनल की तरह यहाँ पर आपको इस तरह की वीडियो को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि दोस्तों आप यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो और आप भी अपने चैनल पर इस तरीके से सब्सक्राइबर्स और व्यूज को आप यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह की वीडियो को किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है, कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और YouTube से आप कैसे इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, अगर आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे वीडियो में आपको जो भी कुछ बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप यहां पर इसको देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। तो देखते हैं इस वीडियो को अंत तक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद से यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको इमेजेस को डाउनलोड करना होगा। यहां पर आप ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप कैसे इस तरह की वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको किसी वीडियो को डायरेक्टली अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्री पिक, यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्री पिक। जैसे आप यहाँ पर फ्री पिक सर्च करेंगे, इस तरीके से आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने देख सकते हो कि यहाँ पर फ्री पिक की यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर वेबसाइट शो हो रही है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसके लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पर फ्री पिक की यहाँ पर वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर इमेजेस को डाउनलोड करना है जो कि दोस्तों आप कार्टून वीडियो को बनाने वाले हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड इमेज। ऐसे यहाँ पर आपको सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड इमेज। जैसे आप यहाँ पर कार्टून बैकग्राउंड इमेज सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे कार्टून के बैकग्राउंड इमेजेस आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इस पर सेलेक्ट करके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर आपको जो भी पसंद है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से यहाँ पर फ्री में किसी भी कार्टून के लिए बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसको डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना, चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, इसके बाद से सिंपली आपको अपने फोन में YouTube को ओपन कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, देखो यहाँ पर आपको सर्च करना है टॉम एंड जेरी
ग्रीन स्क्रीन वीडियो, यहाँ पर आपको टॉम एंड जेरी की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इस तरीके से सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर टॉम एंड जेरी ग्रीन स्क्रीन सर्च करेंगे तो आपके सामने टॉम एंड जेरी की काफ़ी सारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो आ जाएंगी। आपको क्या करना है, इनमें से काफ़ी सारे आपको यहाँ पर चैनल भी शो होंगे आपके सामने, तो आपको क्या करना है किसी भी चैनल पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चैनल से यहाँ पर आप बहुत सारी टॉम एंड जेरी की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आप यहाँ पर ले सकते हो। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके इनके चैनल पर आकर फ्रेंड्स आप यहाँ से काफ़ी सारी टॉम एंड जेरी की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर वीडियो के सेक्शन में आएंगे यहाँ पर आपको टॉम एंड जेरी की काफ़ी सारी यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिल जाएंगी। आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सभी नो कॉपीराइट वीडियो, यानी कि दोस्तों इस पर आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको डाउनलोड करने के बाद से आपको इस तरह की वीडियो को किस तरीके से बनाना है, चलिए मैं आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको किस तरीके से बनाना, चलिए काइनमास्टर एप्लीकेशन में जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपने फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूट्यूब की रेशियो में 16:9 में सेलेक्ट करके ओपन कर लेना। इसके बाद से यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जिस इमेज को डाउनलोड किया है यहाँ पर आपको उसको सर्च कर लेना है और इसके टाइम में इस तरीके से ऐड कर लेना है। इसके बाद से आपको इस पर क्लिक करना है और उसको खींच के इसके ड्यूरेशन को यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 30 सेकेंड तक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, 30 सेकेंड तक पहले इसको कर लेता हूँ। आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, बाद में वीडियो के हिसाब से आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ 30 सेकेंड तक कर लेता हूँ। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड किया है इसके टाइमलाइन में ऐड करना है। इसके लिए लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन में जाना है, और जहाँ पर भी आपका वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो का सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसके टाइमलाइन में ऐड कर लेना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उस वीडियो को ऐड कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन बैकग्राउंड है, तो आपको यहाँ पर इसको रिमूव कर देना है। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑफ होगा, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे दोस्तों, देख सकते हो कि वीडियो से यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड हट चुका है। आपको यहाँ पर इसको और भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ताकि दोस्तों कहीं पर भी ग्रीन शैडो ना शो हो। तो आप यहाँ पर इसको डिटेल में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आपकी वीडियो से यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड हट चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके से वीडियो को यहाँ पर आपको बना लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर वीडियो के हिसाब से इसको बराबर कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, कैंची में जाना है, ट्रिम टू राइट करके इसको कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें बढ़िया से वीडियो को बैठा लेना है। यहाँ पर आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से इसमें बैठा लीजिएगा। इस तरीके से देख सकते हो कि आपके बीच में इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको इसको बनाना है, ताकि दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पर रियल लगे। तो आप यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से इस तरीके से बैठा लीजिएगा। अब आप इसमें मिक्सर में जाकर आप इसके वॉल्यूम को क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना है। आप यहाँ पर इसको ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने एक बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको नो कॉपी एड बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आप इसको कैसे कर सकते हो, तो यूट्यूब पर जाकर आप वहाँ पर सर्च करोगे कि नो कॉपी एड बैकग्राउंड इमेज को कहाँ से डाउनलोड करें, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता देंगे कि आप नो कॉपी एड बैकग्राउंड म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप वहाँ से म्यूजिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है। ध्यान देना है कि आपको एक कार्टून टाइप का फनी म्यूजिक को डाउनलोड करना है, वो भी नो कॉपीराइट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जहाँ पर भी वो म्यूजिक होगा सिंपली उस पर क्लिक करके इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक म्यूजिक है, तो यहाँ पर मैं इसको एग्जाम्पल के लिए आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से म्यूजिक को ऐड कर लेना है। इसके बाद इसका लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, कैंची का ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको इसको ट्रिम टू राइट करके कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपके वीडियो में यहाँ पर म्यूजिक भी ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके इसके आवाज़ को आप यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हो। तो आप यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, 70% पर इसको कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके वीडियो में यहाँ पर म्यूजिक भी ऐड हो जाएगा। अब इस तरीके से देख सकते हो कि आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। आप इसमें चाहे तो यहाँ पर अपने चैनल के लोगो या फिर वाटरमार्क को भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर आपको अपने चैनल के नेम को वाटरमार्क को टाइप कर लेना है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने चैनल के नेम को टाइप कर लेता हूँ। आप यहाँ पर इसको इस तरीके से अपने चैनल के नेम को टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको नेम को टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आगे चैनल के नेम यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या करना है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है, इसके कलर को चेंज कर देना है। कलर पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं इसको येलो कलर पर कर लेता हूँ, आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर आपको आउटलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे यहाँ पर और भी क्लियर तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसको छोटा करके ऊपर लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी इसको लगा लेना। तो यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट साइड में भी लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। इसके बाद से इस पर क्लिक करना है, उसको खींचकर पूरे वीडियो में कवर कर देना है। आप यहाँ पे इसको पूरे वीडियो में
कवर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों पूरी वीडियो में आपके चैनल का वाटरमार्क शो होगा और दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पर ब्रांडेड लगेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके की टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो को बनाना है। और अगर आप इस तरीके से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बस कुछ ही सेकेंड का यहाँ पर वीडियो को बनाकर दिखाया हूँ ताकि दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकें और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी यहाँ पर आप इसी तरीके से और भी क्लिप को लेकर फ्रेंड्स आप आगे भी यहाँ पर एडिट कर सकते हो, आप आगे भी इस तरीके की वीडियो को यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी इस तरीके की क्लिप को ले लेना है और इसके आगे भी आप यहाँ पर इसके लेंथ को बढ़ा सकते हो। आप जितना भी मिनट तक इसको रखना चाहते हो आप यहाँ पर इसको रख लीजिएगा। और इस तरीके से आपके पास वीडियो बनाने के बाद से आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुका है। दोस्तों आप इसमें चाहे तो अपने चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी लगा सकते हो, आप इसमें और कुछ भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो इंट्रो वगैरह। तो दोस्तों आप यहाँ इसमें कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके रेजुलेशन को कितना पर रखना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके इंटरफेस आएगा। आपके पास इसको इसके रेजुलेशन को फुल HD 1080p पर रखना है, इसके फ्रेम रेट को 30 पर रहने देना है और इसके बिट रेट को आप अपने वीडियो के MB के साइज के हिसाब कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको हमेशा ही 10 MBPS पर रखता हूँ, यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी आता है। तो आप यहाँ पर इसको कर लीजिएगा और इसके बाद नीचे सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है और उसको अपने फोन में सेव कर लेना है। और दोस्तों अगर आप कुछ इस तरीके से एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करते हो फिर दोस्तों कोई भी चैनल आपके वीडियो पर कॉपी एड नहीं देगा, ना ही दोस्तों आपकी वीडियो को यूट्यूब से रिमूव कर पाएगा। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ करते हो तो आपके वीडियो पर भर के व्यू जाएंगे, जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। और दोस्तों इस तरीके से आपका चैनल भी बहुत ईजिली और जल्दी मोनिटाइज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका रीच कंटेंट का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और दोस्तों आप यूट्यूब से हर महीने इस तरीके से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों तुम्हें देखिए इस वीडियो से आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे फ्रेंड्स आप कैसे इस तरीके की वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करके अर्निंग कर सकते हो। और दोस्तों आपको इसी तरीके से यहाँ पर इसको फॉलो करके करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे अंदर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।